Hello students, today we are going to learn about and talk about transportation in plants. सबसे पहले one question will arise that why plants are less elaborate than animals. तो उसका answer है because they are rooted at a place, they can't move, so they are less active and they have large surface area due to long cylindrical branching shape and flat expanding leaf blades which easily exchange gases like oxygen and carbon dioxide. Their most cells are dead, their energy requirement low because they are less active and rooted at a place. उन्हें मूव करने की जरूरत नहीं होती इसलिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं लगती और जो एनिमल्स है वो मूव करते हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना होता है और इसीलिए उन्हें एनर्जी चाहिए. तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी इतनी ज़्यादा उनमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्लांट्स में क्योंकि वो ईजिली हो जाता है लार्ज सरफेस एरिया की वजह से, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांचिंग शेप की वजह से और जो लीफ ब्लेड्स होती हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होती हैं उसकी वजह से लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है. तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ईजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है. तो ईजीली ट्रांसपोर्ट होने के कारण जो एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम उनको नहीं होती क्योंकि अपना अपना जो लीफ है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन अपने हिसाब से वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कर लेता है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो इसलिए एक बॉडी सेल से जैसे कि मान लीजिए ये एक ह्यूमन बीइंग है अब इसे ऑक्सीजन हार्ट से ऑक्सीजन उसको ऊपर भी पहुँचानी है नीचे भी पहुँचानी है पूरी बॉडी सेल्स में पहुँचानी है. बट प्लांट्स में क्या होता है प्लांट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है. प्लांट में तो उसका जितना भी पार्ट है लीफ है वो अपने हिसाब से गैसेस एक्सचेंज कर रहा है स्टेम अपना गैसेस एक्सचेंज कर रहा है रूट अपना गैसेस एक्सचेंज कर रहा है तो सब लोग जो हैं अपना अपना सब अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं. तो किसी एक पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करे गैसेस का. तो इसीलिए प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है गैसेस का वो इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता ईजीली एक्सचेंज हो जाता है. और अब लेकिन फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि अ प्लांट व्हाई अ प्लांट नीड्स अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब उसको ट्रांसपोर्टेशन की गैसेस की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है. तो और भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है ज़रूरी थोड़ी सिर्फ गैसेस के लिए ही है. तो उनको ज़रूरत होती है वाटर ट्रांसपोर्ट की मिनरल ट्रांसपोर्ट्स की ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्ट की एंड ग्रोथ हार्मोन के ट्रांसपोर्ट की. दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लीज एंड वर्क. तो ये तो उसका हो गया ओवरव्यू जो कि हम लोगों ने आज देखा एंड इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जो कि दो तरीके होते हैं एक तो जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम. तो जाइलम के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है. जाइलम में जाइलम वेसल्स होती हैं एंड फ्लोएम में सी ट्यूब्स होती हैं. तो जो जाइलम वेसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जिसमें ये होता है दिस इज थिन एरिया ऑफ सेल वॉल एंड देर आर सम पिट लाइक स्ट्रक्चर. सेल वॉल्स के सेल्स के बीच में क्या होता है पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है. सेल वॉल थिक होती है लिग्निन की बनी हुई होती है एंड जहाँ पे भी स्पेस है ये यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता. तो और ये जो है यहाँ पर एक गैप प्रेजेंट होता है इसमें कोई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता. इसको अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में काट के देखें इस तरह से जैसे ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर है लेकिन अगर हम इसको यूँ देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें क्या होगा ये तो है पिट दिस वन इज मेड अप ऑफ लिग्निन विच इज़ अ थिक सेल वॉल एंड दिस इज स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म इट इज़ नोन एज गैप. फ्लोएम की बात करेंगे तो जो लॉन्गिट्यूडनल ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड दिस वन इज अवर ट्रांसवर्स सेक्शन. मैंने इसको यहाँ से कट किया और देखा ठीक है.
तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होंगी, दोनों में दिख रही हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, ये कंपेनियन सेल हम न्यू देख रहे हैं, एंड देन हम इस तरह से देख रहे हैं तो वो इस तरह दिखाई देगी, इस तरह की। ये हैं सी ट्यूब्स जो हम यहाँ देख रहे हैं, और ये सी ट्यूब्स है जो हम इसके बीच में देख रहे हैं। ये सीयू प्लेट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन इज डायग्राम ऑफ अ सीयू ट्यूब इन ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये पूरा ओवरव्यू, पूरा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो है फ्लोएम का, एंड दैट वन इज जाइलम, दिस इज सीयू प्लेट। इनके बारे में हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।